हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी एस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो सामाजिक विज्ञान का जो एक महत्वपूर्ण ब्रांच है, शाखा है, जिसका नाम है अर्थशास्त्र, जिसको इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्लास जो 10th है, कक्षा 10वीं का जो पहला अध्याय है अर्थव्यवस्था और इसके विकास का इतिहास। तो अर्थव्यवस्था और इसके विकास के इतिहास से संबंधित 50 VBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर पर आधारित है हमारा आज का वीडियो। और यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए जो 2024 में बोर्ड परीक्षा देंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 8 सितंबर, बी 6 सितंबर, सी 5 सितंबर और डी 7 सितंबर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है और आज ही 8 सितंबर है, अर्थात आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे है आज। प्रश्न संख्या 2 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है ए 1950, बी 1951, सी 1952 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1952। प्रश्न संख्या 3 है, 2011 के जनसंख्या के अनुसार बिहार में कुल कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार में कुल कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं? ऑप्शन है ए 60.96%, बी 63.50%, सी 63.82% और डी 60.81%। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 63.82%। प्रश्न संख्या 4 है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? ऑप्शन है ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बी नरेंद्र मोदी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और ये भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। प्रश्न संख्या 5 है, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? ऑप्शन है ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी उड़ीसा और डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें सभी। प्रश्न संख्या 6 है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भंग करके रद्द करके कौन सा आयोग बना? ऑप्शन है ए नीति आयोग, बी वित्त आयोग, सी राज्य वित्त आयोग और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ई हो जाएगा, योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग का गठन किया गया। प्रश्न संख्या 7 है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है ए 15 मार्च 1950, ऑप्शन बी 15 सितंबर 1950, ऑप्शन सी 15 अक्टूबर 1951 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 15 मार्च 1950 को भारत में राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया गया था। प्रश्न संख्या 8 है, नीति जिसे योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग या योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति और सी प्रधानमंत्री तथा डी राज्यपाल।
इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री योजना आयोग या नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। प्रश्न संख्या 9 है, भारत में नीति आयोग या योजना आयोग की स्थापना हुई। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई, ऑप्शन है ए 1 जनवरी 2015 को, बी 1 जनवरी 2016 को, सी 1 अप्रैल 2015 को और डी 1 अप्रैल 2014 को। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को। प्रश्न संख्या 10 है, भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बनाती है। भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बनाती है, ऑप्शन है ए योजना आयोग, बी राष्ट्रीय विकास परिषद, सी नीति आयोग और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, नीति आयोग। प्रश्न संख्या 11 है, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था, ऑप्शन है ए 2 जून 2014 को, बी 2 जून 2015 को, सी 2 जून 2016 को और डी 2 जून 2017 को। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। प्रश्न संख्या 12 है, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है। मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है, ऑप्शन है ए रोटी कपड़ा और मकान, ऑप्शन बी है रोटी फल और सब्जी, ऑप्शन सी है कपड़ा रोटी और सब्जी और ऑप्शन डी है तेल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मानव का जो न्यूनतम आवश्यकता है वो रोटी कपड़ा और मकान है। प्रश्न संख्या 13 है, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया, ऑप्शन है ए 2 अक्टूबर 2011 को, ऑप्शन बी है 2 अक्टूबर 2013 को, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर 2014 को और ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर 2015 को। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 अक्टूबर 2014 को। प्रश्न संख्या 14 है, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ की गई। पीएम उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ की गई, ऑप्शन है 1 मई 2014, ऑप्शन बी है 1 मई 2015, ऑप्शन सी है 1 मई 2017 और ऑप्शन डी है 1 मई 2016। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 मई 2016 को पीएम या अर्थात प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई। प्रश्न संख्या 15 है, भारत में राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ। भारत में राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ, ऑप्शन है ए 1950, ऑप्शन बी है 1956, ऑप्शन सी है 1957 और ऑप्शन डी है 1960। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1956 में भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ। प्रश्न संख्या 16 है, अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं। अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं, ऑप्शन है ए 1, B 2, C 3 या D 4। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 क्षेत्र हैं। प्रश्न संख्या 17 है, निम्न में से कौन देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मतलब निम्नलिखित में से किस देशों में मिश्रित अर्थात मिक्स्ड इकोनॉमी है, ऑप्शन है ए अमेरिका, बी चीन, सी भारत और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत देश में मिक्स्ड इकोनॉमी है। प्रश्न संख्या 18 है, निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, प्राइमरी एरिया कहा जाता है, ऑप्शन है ए सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी है कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी है औद्योगिक क्षेत्र और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कृषि क्षेत्र।
प्रश्न संख्या 19 से भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने क्षेत्रों में कितने भागों में बांटा जा सकता है। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन से ए 2, बी 4, सी 6 या डी 8। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 क्षेत्रों में। प्रश्न संख्या 20 है कि बिहार में पंचायत स्तर पर महिलाओं को आरक्षण कब दिया गया। बिहार में पंचायत स्तर पर महिलाओं को आरक्षण कब दिया गया। ऑप्शन है ए 2004, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2006 और ऑप्शन डी 2007। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 2006 में महिलाओं को आरक्षण दिया गया पंचायत चुनाव में। प्रश्न संख्या 21 है, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। ऑप्शन है ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी है द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन सी है तृतीयक क्षेत्र और ऑप्शन डी है विदेश क्षेत्र। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्र। भारत के राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। प्रश्न संख्या 22 से अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, यह किसका कथन है। ऑप्शन है ए एडम स्मिथ, बी ब्राउन केन्स, सी मार्शल या डी आर्थर लेविस। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्राउन केन्स ने यह कथन कहा है। प्रश्न संख्या 23 से आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। ऑप्शन है ए जीविकोपार्जन, बी मनोरंजन, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, जीविकोपार्जन। प्रश्न संख्या 24 से भारत की आर्थिक व्यवस्था है। भारत की आर्थिक व्यवस्था है। ऑप्शन है ए सकल राष्ट्रीय उत्पादन, बी प्रति व्यक्ति आय, सी आर्थिक कल्याण का आधार और डी इनमें सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें सभी। प्रश्न संख्या 25 से आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन हैं। आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन हैं। ऑप्शन है ए सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बी प्रति व्यक्ति आय, सी आर्थिक कल्याण का आधार और डी इनमें सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें सभी। प्रश्न संख्या 26 है, भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय दिया जाता है। भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन है ए पूंजी को, बी सेवा को, सी नियोजन को या डी व्यापार को। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, नियोजन को। प्रश्न संख्या 27 है, आर्थिक विकास की माप करने की उचित सूचकांक है। ऑप्शन है ए राष्ट्रीय आय, बी प्रति व्यक्ति आय, सी उपभोक्ता व्यय और डी जीवन प्रत्यास्था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। प्रश्न संख्या 28 है, बिहार में मानव विकास को कौन सा रूप दिया गया है। बिहार में मानव विकास को कौन सा रूप दिया गया है। ऑप्शन है ए जन आंदोलन, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत आंदोलन, ऑप्शन सी है सामाजिक आंदोलन और ऑप्शन डी है पारिवारिक आंदोलन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, जन आंदोलन। प्रश्न संख्या 29 है, बिहार में किसकी प्रधानता है। बिहार में किसकी प्रधानता है। ऑप्शन है ए उद्योग, बी पशुपालन, सी खनिज या डी कृषि। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कृषि। प्रश्न संख्या 30 है,
इनमें कौन आधारभूत संरचना नहीं है? इनमें कौन आधारभूत संरचना नहीं है? ऑप्शन है ए उद्योग, बी पानी, सी बिजली और डी सड़क। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, उद्योग आधारभूत संरचना नहीं है। प्रश्न संख्या 31 है, प्रथम मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देशन पर तैयार की गई थी? ऑप्शन है ए अभिजीत विनायक बनर्जी, बी अमर्त्य सेन, सी महबूब उल हक और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, महबूब उल हक। प्रश्न संख्या 32 है, भारत में कौन सा आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा है? भारत में कौन सा आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा है? ऑप्शन है ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी है द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन सी है तृतीयक क्षेत्र और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्र। प्रश्न संख्या 33 है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन है ए सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी है कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी है उद्योग क्षेत्र और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है और सेवा को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। प्रश्न संख्या 34 है, वर्तमान में बिहार की साक्षरता दर कितना है? वर्तमान में मतलब प्रेजेंट में बिहार की साक्षरता दर कितना है? ऑप्शन है ए 59.68%, ऑप्शन बी है 73.39%, ऑप्शन सी है 69.68% और ऑप्शन डी है 68.39%। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्तमान में बिहार की साक्षरता दर 73.39% है। प्रश्न संख्या 35 है, बिहार प्रांत का गठन कब हुआ था? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है ए 22 मार्च 1902, ऑप्शन बी है 22 मार्च 1910, ऑप्शन सी है 22 मार्च 1912 और ऑप्शन डी है 22 मार्च 1913। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 22 मार्च 1912 को बिहार प्रांत या राज्य का गठन हुआ था। यह भारत के सभी राज्यों में सबसे पुराना गठित राज्य है। प्रश्न संख्या 36 है, बिहार राज्य के लोगों की जीविका का मुख्य आधार है। बिहार राज्य के लोगों की आजीविका का मुख्य आधार है। ऑप्शन है ए उद्योग, बी कृषि, सी लघु एवं कुटीर उद्योग और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कृषि। प्रश्न संख्या 37 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है ए वित्त मंत्री, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आप सभी को मालूम ही होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। प्रश्न संख्या 38 है, किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया है? ऑप्शन है ए मोबाइल फोन, बी कंप्यूटर, सी कैलकुलेटर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, कंप्यूटर। कंप्यूटर के अलावा मोबाइल फोन के भी आने के बाद सूचना शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया है, क्योंकि अभी डिजिटलाइजेशन का दौर चल रहा है, डिजिटल सब चीज़ हो रहा है। प्रश्न संख्या 39 है, वर्तमान समय में विश्व व्यापार संगठन के कुल कितने सदस्य हैं? प्रेजेंट में डब्ल्यू विश्व व्यापार संगठन है जब WTO है, उसमें कुल कितने सदस्य देश हैं? ऑप्शन है ए 100 देश,
ऑप्शन बी है 25 देश, ऑप्शन सी है 164 देश और ऑप्शन डी है 40 देश। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 164 देश वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। प्रश्न संख्या 40 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ऑप्शन है ए 1966 में, ऑप्शन बी 1969 में, ऑप्शन सी 1975 में और ऑप्शन डी 1980 में। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1969 में राष्ट्रीय या व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था राष्ट्रीयकरण बैंकों का। प्रश्न संख्या 41 है, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले शहरी लोगों की कैलोरी की मात्रा होती है। ऑप्शन है ए 2100 कैलोरी, ऑप्शन बी है 2250 कैलोरी, ऑप्शन सी है 2000 कैलोरी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 2100 कैलोरी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले शहरी लोगों की कैलोरी की मात्रा है। प्रश्न संख्या 42 है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की कैलोरी की मात्रा होती है। ऑप्शन है ए 2400 कैलोरी, ऑप्शन बी है 2500 कैलोरी, ऑप्शन सी है 2350 कैलोरी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 2400 कैलोरी। प्रश्न संख्या 43 है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति, ऑप्शन है ए तीव्र हो जाती है, ऑप्शन बी मंद हो जाती है, ऑप्शन सी सामान्य रहती है और ऑप्शन डी कुछ भी नहीं होता। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, मंद हो जाती है। जनसंख्या बढ़ने के साथ आर्थिक विकास की गति कम हो जाती है, मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है। प्रश्न संख्या 44 है, मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? ऑप्शन है ए 126वां, ऑप्शन बी 127वां, ऑप्शन सी 129वां और ऑप्शन डी 128वां। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, मानव विकास सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो 126वां है। प्रश्न संख्या 45 है, इनमें कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है, अर्थात बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और डी कॉरपोरेटिव बैंक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और वर्तमान में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है वो शक्तिकांत दास हैं। प्रश्न संख्या 46 है, रेल बजट को किस वित्तीय वर्ष में सामान्य बजट में समावेशित किया गया? मतलब रेल बजट पहले अलग बजट ही पेश होता था, लेकिन इसे वित्तीय वर्ष में किस सामान्य बजट में समावेशित किया गया? ऑप्शन है ए 2014 से 2015, ऑप्शन बी है 2015 से 2016, ऑप्शन सी है 2016 से 2017 और ऑप्शन डी है 2017 से 2018। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, रेल बजट को 2017 से 2018 का जो वित्तीय वर्ष है उसमें सामान्य बजट में समावेशित किया गया। प्रश्न संख्या 47 है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? ऑप्शन है ए 2012 से 2017, ऑप्शन बी 2007 से 2012, ऑप्शन सी 2009 से 2014 और ऑप्शन डी 2006 से 2011। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 2012 से 2017। प्रश्न संख्या 48 है,
सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन बी है साक्षरता दर, ऑप्शन सी है स्वास्थ्य की स्थिति और ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें सभी। सामान्यतः किसी देश के विकास का जो स्तर होता है उसको ये जितने भी ऑप्शन हैं जैसे प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति और भी मानक है, उन मानकों के आधार पर किसी देश का विकास का स्तर निर्धारित किया जाता है। प्रश्न संख्या 49 है, वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी उद्योग क्षेत्र, ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र और ऑप्शन डी ए और बी दोनों, अर्थात सेवा क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्तमान समय में आर्थिक विकास में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। और जो तीन क्षेत्र होते हैं उनमें पहला जो क्षेत्र होता है वो कृषि क्षेत्र होता है, दूसरा जो होता है द्वितीय क्षेत्र उसे उद्योग क्षेत्र कहा जाता है, और तीसरा जो क्षेत्र होता है उसमें सेवा क्षेत्र आता है। प्रश्न संख्या 50 है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है ये कि मानव विकास के मामले में सर्वोच्च राज्य कौन है? मतलब मानव विकास के मामले में भारत का सर्वोच्च राज्य कौन है? ऑप्शन है ए गुजरात, बी पंजाब, सी केरल और डी कर्नाटक। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, मानव विकास के मामले में भारत में सर्वोच्च राज्य जो है वो केरल है, और केरल भारत का सबसे साक्षर राज्य भी है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था जो 10th का सोशल स्टडीज है, सामाजिक विज्ञान है, उसका एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है इकोनॉमिक्स जिसे अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण ब्रांच है सोशल साइंस का, और अर्थशास्त्र के जो फादर कहे जाते हैं वो एडम स्मिथ थे। और इसका जो पहला चैप्टर था अर्थव्यवस्था और उसके विकास का इतिहास से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके आंसर पर आधारित था हमारा आज का वीडियो, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है 2024 की जो बोर्ड परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी है उन परीक्षार्थियों के लिए। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है तो इसलिए हमें सबको कोशिश करना चाहिए कि भारत का हर नागरिक साक्षर हो। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।